नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नी का जो सोलर कंट्रोलर है, इसके अंदर के जो दो मोड है, इमरजेंसी एंड नॉर्मल मोड, ये दो मोड क्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे। वो कैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कैसे यूज़ किए गए इस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ कि हम जानेंगे कि ये दो मोड क्या है। तो जैसे कि हमारे घर में कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होते आ गई तो हम लोग उसे ध्यान से यूज़ करते हैं, वैसे ही इस कंट्रोलर के अंदर जो बैटरी है वो अगर ख़त्म होते आ गई तो इसके ऊपर का जो लोड है वो कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए, तो उसको ध्यान से यूज़ किया जाना चाहिए। इसके लिए इमरजेंसी और नॉर्मल ऐसे दो मोड यूज़ किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि उसका इसके सिस्टम के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जब भी आपका बैटरी 25% से नीचे या 25% से नीचे चली जाती है तो इसके अंदर सिर्फ दो लाइन है, एक इमरजेंसी और नॉर्मल। तो सिर्फ इमरजेंसी लाइन चलती है 25% के नीचे, और 25% के ऊपर यानी 100 से लेके 25% तक दोनों लाइनें चलती है, नॉर्मल और इमरजेंसी। तो उन दोनों भी लाइनों के लिए ये दोनों स्विच दिए गए हैं, अलग अलग से स्विच दिए गए हैं। इमरजेंसी के लिए ये लाइट स्विच है, इसको यूज़ करके आप इमरजेंसी लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये सिस्टम जो लिखा है वो नॉर्मल लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इनका जो कनेक्शन है पीछे दिया गया, अभी वो देखते हैं कि कैसा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोड पिन कनेक्टर है, 4-पिन कनेक्टर, उसके कनेक्शन के लिए नॉर्मल और इमरजेंसी के कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो कनेक्शन किया गया है सिर्फ नॉर्मल लाइन के लिए किया गया है, नीचे सबसे फोर्थ में निगेटिव लगाया है और बीच का छोड़ के, इमरजेंसी का निगेटिव छोड़ के ये पॉजिटिव लगाया गया है। तो ये कनेक्शन इमरजेंसी और नॉर्मल लाइन के कनेक्शन के बारे में हो गया। तो धन्यवाद।